हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे पास जो सोलर पैनल होती है दोस्तों, वो डीसी वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। डीसी वोल्ट में तो हम सब कुछ चला पाएंगे, लेकिन एसी वोल्ट में आप कुछ चलाना चाहते हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करें, डीसी वोल्ट को एसी वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे, और बैटरी और कंट्रोलर का यूज़ मैं नहीं करूँगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख पाओगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरे पास सोलर पैनल। मेरे पास दो सोलर पैनल है, एक लोम सोलर कंपनी का, एक ब्लू व्हेल कंपनी का। ब्लू व्हेल कंपनी का 100 वाट और 50 वाट है दोस्तों लोम सोलर कंपनी का। तो दोस्तों, डायरेक्ट मैं चलाऊंगा। दोस्तों देख पा रहा हूँ, इन्वर्टर और कन्वर्टर दो मेरे पास है, इन्वर्टर है और कन्वर्टर। दोस्तों ऐसे हम डायरेक्ट चलाएंगे सोलर की वायर से, डायरेक्ट हम इन्वर्टर और कन्वर्टर कनेक्ट कर देंगे तो दोस्तों हमारा इन्वर्टर और कन्वर्टर जल सकती है, मतलब ख़राब हो सकती है। इसलिए दोस्तों मेरे पास जो है बक कन्वर्टर देख पा रहे हो, डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर स्टेप डाउन, इसको दोस्तों मैं यूज़ में लूँगा। क्योंकि दोस्तों इसका जो वोल्टेज होती है दोस्तों सोलर पैनल के, वो लगभग 20 से 25 वोल्ट की आसपास होती है, और उस वोल्टेज को कम करने के लिए दोस्तों इस मशीन का मैं सहारा लूँगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों चलिए मैं इसको फटाफट कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या क्या चल सकती है। 150 वाट दोनों मिलाकर हो गया सोलर पैनल, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं वोल्टेज को कम कर दिया स्टेप डाउन कन्वर्टर की माध्यम से, देख पा रहे हो इधर मैं कनेक्ट कर दिया, ये भी ऑन है। अब देखो इसको दोस्तों, आप घुमाएंगे दोस्तों कम ज़्यादा कर पाएंगे, ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये रहा आउटपुट, जिसको मैंने वोल्टेज अभी 12 वोल्ट में कर दिया। सोलर का जो वोल्टेज होती है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होती है, आप जानते हो आपके पास सोलर पैनल है। तो चलिए आपको मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसको मैं 13 वोल्ट में कर दिया, देख पा रहे हो आप, जो लगभग 22 से 25 वोल्ट आती है उसको मैं कम करके 13 वोल्ट कर दिया, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट दोस्तों कन्वर्टर को पहले कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद इन्वर्टर को, और उसके बाद देखता हूँ क्या क्या चल सकती है डायरेक्ट। चलिए देखते। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, इसको मैं कन्वर्टर के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। चलिए आप लाइट को जला कर देखते हैं। दोस्तों आप डायरेक्ट चलाना चाहते हो, बैटरी और कंट्रोलर का यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो इस बक कन्वर्टर की ज़रूर आप यूज़ कीजिए। क्योंकि दोस्तों आप डायरेक्ट चलाएंगे कन्वर्टर को डायरेक्ट, और इन्वर्टर को डायरेक्ट लगा देंगे तो दोस्तों आपका इन्वर्टर या कन्वर्टर जल सकती है। इसलिए इसको दोस्तों आप वोल्टेज को कम कर दीजिए इसके माध्यम से, तो दोस्तों आपको आराम से चला पाओगे पूरे दिन, कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ पहले ऑन, देख पा रहे हो ये ऑन हो चुका है, देख पा रहे हो, तो देख पा रहे हो ये लाइट जल रही है दोस्तों। मतलब आप इस तरह से एसी वोल्ट के कन्वर्ट करके आप चलाओगे तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पूरे दिन आराम से चला पाओगे। लेकिन ये जो कन्वर्टर है दोस्तों, इससे फैन नहीं चलता है, बस लाइट वगैरह मोबाइल चार्ज वगैरह इससे आप कर सकते हो। इससे दोस्तों शॉर्ट की जो लाइट होती है वो इससे जल पाएगी या नहीं, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये जो CFL लाइट होती है दोस्तों 100 वाट की, देख पा रहे हो, चलिए इसको मैं जला कर आपको दिखाता हूँ इस कन्वर्टर से जल पाती है या नहीं। नहीं जला तो दोस्तों आपको इन्वर्टर को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। मेरे पास देखो और 5 लाइट है अभी, और फैन भी चला कर आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो पर आप कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए अभी 100 वाट की लाइट को जला कर देखता हूँ, देख पा रहे हो ये ऑन है कन्वर्टर, और देख पा रहे हो ये डीसी बक कन्वर्टर इधर है और सोलर पैनल इधर है, काफ़ी अच्छा धूप है इधर अभी। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ ऑन, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों ये CFL 100 वाट की लाइट आराम से जल रही है। और चलिए LED लाइट को भी जला कर देखते हैं जल पाती है या नहीं, ओवरलोड होती है। तो सर देख पा रहे हो ये दोनों जो एक साथ जल रही है दोस्तों, ये 100 वाट की लाइट, ये 18 वाट की LED लाइट, देख पा रहे हो कन्वर्टर के माध्यम से जलती है, जल रही है अभी। तो चलिए और एक CFL लाइट आपको लगा कर दिखाता हूँ, दो एक साथ जला पाती है या नहीं। चलिए तो दोस्तों देख पा रहे हो मैं सोलर के साथ बहुत सारा लाइट कनेक्ट कर दिया, देख पा रहे हो 300 वाट की 3 लाइट कनेक्ट किया, या LED लाइट, तो ये भी अभी ऑन है, देख पा रहे हो। तो ये देख पा रहे हो डायरेक्ट इधर लगा हुआ है कन्वर्टर के माध्यम से दोस्तों, इस बोर्ड को मैंने कनेक्ट किया। चलिए एक एक करके आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जलाता हूँ LED को, उसके बाद इसको, देख पा रहे हो दो लाइट जल रही है और एक लाइट जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हो और नई लाइट जल रही है दोस्तों, देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा पावर कम हो चुका है, देखो देख पा रहे हो आप, मतलब दो लाइट जल रही है। LED को बंद करता हूँ तो दो शायद जल जाए, नहीं दोस्तों दो एक साथ नहीं जल पा रही है, आप देखो, ठीक है ना, एक CFL लाइट एक LED लाइट आराम से जल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप देखो एक LED लाइट और CFL लाइट एक साथ जल रही है इस कन्वर्टर से, ठीक है ना, ये 100 वाट की कन्वर्टर है दोस्तों। तो चलिए अभी आपको चला कर दिखाता हूँ, देख पा रहे हो इधर से मैंने लगा दिया, ये रहा बोर्ड। तो चलिए मैं अभी इसको करता हूँ ऑन, उतना ज़्यादा अच्छी धूप नहीं है दोस्तों अभी, तो चलिए फिर से आपको ऑन करके दिखाता हूँ तो चल पाती है नहीं। तो देख पा रहे हो दोस्तों इधर बैटरी लो का इंडिकेट दिखा रहा है, मतलब अभी उतना ज़्यादा धूप नहीं है इसलिए पावर नहीं मिल पा रही है, आप देखो, ठीक है ना।
चलिए आपको पहले लाइट को ऑन करके दिखाता हूँ। देख पा रहे हो दोस्तों, नहीं जल पा रही है अभी, थोड़ा सा धूप आने दो, उसके बाद ही आपको जला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप सोलर पैनल से डायरेक्ट चलाना चाहते हो, लेकिन आप देख पा रहे हो ये जो मेरे पास इन्वर्टर है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो रही है दोस्तों। आप देख पा रहे हो बैटरी लो इधर इंडिकेट कर रही है और कुछ भी नहीं चल पा रही है। लेकिन मैं जब कन्वर्टर से चलाया था दोस्तों, ये उतना ज़्यादा पावर लॉस नहीं हो रहा था, इसलिए दोस्तों काफ़ी अच्छे से लाइट वगैरह जल रहा था। और इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हो इन्वर्टर बहुत ज़्यादा पावर ले रही है दोस्तों, पावर लॉस हो जा रही है इधर, इसलिए दोस्तों नहीं चल पा रही है। आप डायरेक्ट चलाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट चलाना चाहते हो आप छोटे इन्वर्टर या कन्वर्टर का यूज़ कीजिए, ठीक है ना। और जो आप ज़्यादा लोड चलाना चाहते हो तो आपको बैटरी और कंट्रोलर का यूज़ करना होगा, तभी चल पाएगा। तो आप सोलर पैनल से डायरेक्ट चलाना चाहते हो तो ये डीसी वोल्ट में चलाइए या एसी वोल्ट में, इस बक कन्वर्टर का दोस्तों आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि दोस्तों सोलर पैनल से बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज आती है, आपके इन्वर्टर या कन्वर्टर जो भी आप चलाना चाहते हो वो ख़राब हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप बक कन्वर्टर का यूज़ ज़रूर कीजिए, वोल्टेज को कम करके दोस्तों काफ़ी अच्छे से आप चला पाओगे। तो इस वीडियो में बस यही दिखाना था। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।